नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। WHO ने दुनिया के 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची जारी की है, जिसमें अकेले भारत के ही 14 शहरों के नाम शामिल रहे। यानी दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों की सूची में भारत के शहर नंबर 1 पर हैं। तो WHO ने बीते दिन ही दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों की सूची जारी की। 15 ऐसे शहरों के नाम WHO की ओर से जारी किए गए, और जिसमें नंबर 1 पर रहा उत्तर प्रदेश का कानपुर, तो वहीं दूसरे स्थान पर रहा हरियाणा का फरीदाबाद, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों की सूची में यानी कि इंडिया नंबर 1 पर है। 15 शहरों की सूची ऐसी जारी की गई, जिसमें से अकेले भारत के ही 14 शहरों के नाम शामिल रहे। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें एक देश को अगर छोड़ दें तो एक देश के एक शहर को अगर छोड़ दें तो 14 शहर जो हैं वो अकेले भारत के ही ये रहे। यानी कि भारत के शहर पॉल्यूशन के मामले में नंबर 1 पर हैं, पॉल्यूशन में इंडिया नंबर 1 पर है। सबसे पहला स्थान कानपुर को मिला, उत्तर प्रदेश के कानपुर को सबसे पहला स्थान मिला, और साथ ही दूसरे नंबर पर फरीदाबाद शहर रहा हरियाणा प्रदेश का, जो कि पॉल्यूशन की सूची में टॉप कर रहा है। तो भारत जो है वो पॉल्यूशन की अगर बात कर ले तो पोल्यूशन में सबसे ज्यादा भारत के शहर जो हैं वो पोल्यूशन में जो है पाए गए हैं। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर जो हैं वो भारत के पाए गए हैं, जो WHO की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं जो सूची WHO की ओर से जारी की गई है। तो WHO की सूची में नंबर 1 पर है कानपुर उत्तर प्रदेश का, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आपको बता दें कि फरीदाबाद है, तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ सातवें नंबर पर है, ताजनगरी आगरा आठवें नंबर पर इसमें है, और इसके साथ ही दूसरे स्थान पर हरियाणा का फरीदाबाद शहर है। तो इसके अलावा हरियाणा का गुरुग्राम 11वें स्थान पर है, और इसके साथ ही दो जो है हरियाणा के शहर जो है सूची में है, बिहार का गया जिला चौथे स्थान पर है, बिहार की राजधानी पटना पांचवें नंबर पर है, इसके साथ ही बिहार का मुजफ्फरपुर 9वें स्थान पर है। तो बिहार प्रदूषित शहरों में छठे स्थान पर दिल्ली को जगह मिली है, पंजाब का पटियाला 13वें नंबर पर है, और इसी के साथ 14 शहर जो हैं वो अकेले भारत के इस सूची में है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर 10वें स्थान पर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर 12वें नंबर पर है, और जबकि राजस्थान का जोधपुर सूची में सबसे आखिरी स्थान पर है यानी 14वें स्थान पर है। इनके अलावा कुवैत का एक शहर वो 15वें स्थान पर है। WHO ने 15 महज शहरों की सूची जारी की, सबसे पॉल्यूटेड शहरों की, दुनिया भर के सबसे पॉल्यूटेड शहरों की सूची WHO की ओर से जारी की गई, और 15 ऐसे शहरों के नाम WHO की ओर से जारी किए गए, जिसमें अकेले भारत के ही 14 शहरों के नाम शामिल हैं, और अकेले भारत के ही जो है 14 शहर इसमें है। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर उत्तर प्रदेश का कानपुर इस सूची में रहा, नंबर 1 पर कानपुर रहा, नंबर 2 पर हरियाणा का फरीदाबाद। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर इस सूची में इनके नाम शामिल हैं। प्रदूषित शहरों में दिल्ली को छठा स्थान मिला है, दिल्ली अब जो है एक पायदान नीचे आ गया है, छठा स्थान दिल्ली को मिला। पंजाब का पटियाला भी इसमें शामिल है, जो 13वें स्थान पर है, तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर 12वें नंबर पर है। पॉल्यूशन में यानी कि इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है, पॉल्यूशन में भारत नंबर 1 पर है। हालांकि दूसरे अलग क्षेत्रों में नंबर 1 बनने की भारत की जो कवायद है, जो कोशिशें हैं वो लगातार जा रही हैं, लेकिन पॉल्यूशन के मामले में भारत ने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। भारत नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर भारत के अंदर है। 15 शहरों सूची जो WHO की ओर से बीते दिन जारी की गई, उसमें से अकेले भारत की ही अगर बात कर ली जाए तो अकेले भारत के 14 शहर शामिल हैं। टॉप जो है वो भारत कर रहा है इस पोल्यूशन के मामले में, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर जो हैं वो भारत के हैं, 14 शहर जो हैं वो भारत के हैं, और 15वां स्थान जो है वो कुवैत के एक शहर को मिला।
मिला है। और इसके साथ ही नंबर एक जो स्थान मिला वो उत्तर प्रदेश के कानपुर को मिला है, नंबर दो स्थान हरियाणा के फरीदाबाद को मिला है, हरियाणा का एक और शहर गुरुग्राम जो है वो भी सूची में शामिल है, पंजाब का पटियाला 13वें नंबर पर रहा, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर 10वें स्थान पर है इस सूची में, और इसके साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर 12वें नंबर पर है। तो वहीं पर आपको बता दें कि इसमें राजस्थान का दूसरा शहर जोधपुर जो है वो आखिरी पायदान पर यानी कि 14वें स्थान पर है। इसके अलावा कुवैत का एक शहर सुबह अल शमेम जो है वो 15वें स्थान पर है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम भी इसमें शामिल है, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी वो 3रे नंबर पर है। तो जिस देश में स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाएं चलाई जा रही हो, जिस देश की सरकार गंगा सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, फिर भी उस देश का शहर स्वच्छ नहीं है बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। हवा में प्रदूषण की मात्रा इतनी है कि खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के 14 शहरों को सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया है। भारत अभियान जैसा योजनाएं चलाने वाला देश अभी भी पूरी तरह से स्वच्छ नहीं है। पूरी तरह से स्वच्छ होना तो दूर की बात है, यहाँ के शहर इतने प्रदूषित हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में भारत का शहर टॉप पर है। लेकिन टॉप होने से खुश मत होइए, ये नाराज होने वाली बात है क्योंकि जहाँ के प्रधानमंत्री खुद झाड़ू उठाकर सफाई का संदेश देते हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री खुद सफाई करते हुए नजर आते हैं, खुद साफ सफाई का खासा ख्याल रखते हैं, उनके राज्य का एक शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है, वो शहर है कानपुर। और जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में वो शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित निकला तो अधिकारी ये कहते नजर आए कि ये प्रदूषण औद्योगिक कल कारखानों की वजह से हुआ है। मतलब साहब कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही निकालेंगे, और ये बहाना नहीं हकीकत भी हो सकता है क्योंकि कल कारखानों ने हवा में प्रदूषण की मात्रा को बढ़ा दिया है। इसलिए कल कारखानों वाले दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में कभी दिन में अंधेरा हो जाता है तो कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस सूची में वो दिल्ली में भी 6वें स्थान पर है और दिल्ली एनसीआर में आने वाला हरियाणा का गुरुग्राम 11वें स्थान पर है। लेकिन हरियाणा में पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले विपुल गोयल का क्षेत्र 3रे नंबर पर है। मतलब कानपुर के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र मंत्री जी का है, जहाँ पर कल कारखाने तो बहुत है लेकिन प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि आने वाले दिनों में मंत्री जी भूख मांगने जाएंगे तो उनका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली की तरह अन्य शहरों में भी स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रदूषण को कम करने के लिए शायद विदेशों जैसा अभियान चलाया जाए। लेकिन फिलहाल कानपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम और जम्मू कश्मीर के शहरों के अलावा 14 शहर ऐसे इस सूची में शामिल है जहाँ के कल कारखानों से उठने वाले धुएं या फिर वहाँ के स्थानीय लोगों ने विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना रखा है। तो दुनिया भर के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों की सूची जारी की गई, 15 ऐसे शहरों के नाम WHO की ओर से जारी किए गए जिसमें से अकेले भारत के ही 14 शहर शामिल हैं और टॉप कर रहा है उत्तर प्रदेश का कानपुर जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड दुनिया भर का शहर अब बन गया है। नंबर एक स्थान कानपुर को मिला है।